वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू श्रेया स्पेशल। और मैं हूँ श्रेया और आज है सैटरडे, तो सभी को हैप्पी वेज डे। और अभी जो है सुबह के बज रहे 11:30 और मेरा सब कुछ काम कंप्लीट हो गया है। सुबह से मेरा जो है वेज खाना बनाना ये से भी चल रहा था, तो सब कुछ हो गया है, नहाना कंप्लीट हो गया है, मैं पूजा भी कर चुकी हूँ। अभी जो है मेरा है मैं पापड़ फ्राई करूंगी। और मेरा ना एक अजीब से एक फेवरेट किस्म का 2-3 पापड़ है जो मुझे बहुत पसंद है, जो मिल नहीं रहा था वो मिल गया है, वो अभी मैं फ्राई करूंगी। जिसमें से एक है बैट पापड़ मुझे बहुत पसंद है, उसका ना टेस्ट अलग ही एक टेस्ट है। और अभी मेरे हस्बैंड को जो मिला है वो एक स्क्वायर शेप में पापड़ मिला है जो कि मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है उसका। और बैट पापड़ का फ्लेवर थोड़ा सा एक टाइप में ही है। और अभी जो है बाहर का वेदर मैं बता देती हूँ, बारिश नहीं हो रहा है यहाँ पे, जो है एकदम सनी सा वेदर है, गर्मी भी थोड़ा बहुत है और कपड़े भी अच्छे सूख रहे हैं, 2-3 रह गए। तो ये मेरा बकेट नहाने के बाद का जो है, मैं कपड़े वगैरह सब कुछ मुझे अभी भी टांगना है, अभी नहीं टांगी मैं। कुछ सब्जी फिर से ऑर्डर कर दिया है और सोच रहे हैं कि हस्बैंड बाहर में जाकर कुछ लेके आएंगे। अभी तो थोड़ा बहुत बैठ रहा है क्योंकि पूरा तरीके से जो लॉकडाउन था वो उठ गया है, सो दैट्स व्हाई कुछ दुकान खुल रहे हैं। और जो टैगोर है ना वो अभी तक वो नहीं लगाया है, वो लगाएंगे, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, एक फूल भी है उसमें। और ऑपोरजिता जो लगाई थी वो उसमें अभी तक फूल नहीं आया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और तुलसी जी को मैंने आज पानी दिया। और एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि जस्ट फॉर अवेयरनेस। और बहुत सारे लोग ऐसे मेरी तरह एक्सपीरियंस हो सकता है, इस वजह से मैं थोड़ा सा ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या है, मेरा फेसबुक में पहले अकाउंट नहीं था, मेरे हस्बैंड का, दोनों का ही नहीं था, हम लोग उतना सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं था हमारा अकाउंट। तो मेरे फ्रेंड मेरे नाना बहुत दिनों से बोल रहे थे कि फेसबुक अकाउंट खोलो, तो मैं अकेली रहती हूँ, टाइम पास हो जाएगा, बहुत सारे स्कूल फ्रेंड के साथ फिर से मुलाकात होगा, बात होगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हम लोगों ने एक फेसबुक में अकाउंट क्रिएट किया। तो मैं पहले क्या होता था, मैं ना अपने फ्रेंड या फिर जान पहचान वाले इन लोगों का ही फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती थी। और अभी जो है बहुत सारे फ्रेंड हो गया है मेरा, तो क्या होता है बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर म्यूचुअल में कोई रहता है ना तो ही मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हूँ। तो वैसे एक अकाउंट का मैं उतना देखा भी नहीं, मैंने प्रोफाइल जस्ट देखा म्यूचुअल में है तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी कुछ देर पहले क्या हुआ, मैंने मैसेंजर में एक फोन आ रहा था, तो मैंने मैसेंजर से फोन आ रहा था वो मैंने देखा ना, नॉर्मल से एक फोन आ रहा था, मतलब नॉर्मल मैसेंजर का जो फोन आता है ना, नॉर्मल जो कॉलिंग होता है वैसे ही दिख रहा था। और रिया दाश नाम के, मैं नाम भी बता रही हूँ, रिया दाश नाम का एक अकाउंट से फोन आ रहा था। तो मैंने रिया दाश मेरा एक फ्रेंड का नाम भी है, तो मैंने क्या किया, रिसीव किया फोन, तो हेलो कर रही थी, कुछ सेकेंड तक कुछ नहीं बोला। कुछ सेकेंड के बाद बोल रहे कि वो एक लड़के की आवाज में बोल रहे हैं हेलो। तो मैंने फिर से देखा कि रिया दाश के नाम में हेलो बोल रहा है, तो मैंने फिर से हेलो बोला, तो वो बोल रहे कि क्या कर रही हो तुम। तो मैं बोला कि लड़की के अकाउंट, लड़के होकर लड़की के अकाउंट नाम के अकाउंट खोला, लड़की के प्रोफाइल पिक्चर है आपकी और आप मुझे पूछ रहे क्या कर रही हो। तो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। जैसे भी बोला मैंने फोन को कट कर दिया और उनको ब्लॉक कर दिया। तो सोचिए लोगों के पास कितना टाइम है कि एक लड़की का फेक प्रोफाइल क्रिएट करके, लड़की के नाम के लड़की का एक फेस है प्रोफाइल क्रिएट करके, किसी मैरिड हो अनमैरिड हो लड़की को फोन करके पूछना क्या कर रही हो, फ्रेंडशिप करना चाहता हो, मतलब उन लोगों के पास सच में कोई काम नहीं है, यही उन लोगों का काम है। मैं ना सामने रहता ना दांत तोड़ देती उसका, हिम्मत कैसे हो एक लड़की का फेस यूज करके, कितना घटिया, मतलब लो स्टैंडर्ड मेंटेलिटी इन लोगों का होता है, बता नहीं सकती। छोड़िए मेरा इतना गुस्सा आ रहा था ना, मैं बता नहीं सकती, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि आप लोगों के साथ भी ये एक्सपीरियंस बिल्कुल भी मान ना हो। और मैं फेसबुक में नए था ना, तो थोड़ा सा होता है ऐसा, मतलब कितना अवर रहे, लेकिन अभी से समझ गई कि पूरा
फंडा। सो छोड़िए ये सब बातें, सामने रहती तो तुम दिखती है, एक मुक्का मारती ना नाक तोड़ देती एकदम। छोड़िए चलिए लंच करते हैं, बहुत तेज भूख लगी है और अभी जो है बाहर क्लाउडी हो गया है, शायद बारिश आ गया। चलिए तो हो गया है लंच। और पहले ना मतलब घर से आने के बाद ना जब जिस दिन भेज खाते थे मतलब सैटरडे ना, मेरी मम्मी मेरी चाची सास वो ना मीठा अचार मैं बहुत पसंद करती हूँ तो वो दे देती थी। तो मैं जो भी कुछ मेनू रहे उसके साथ मेरा मीठा अचार रहता था, लेकिन मीठा अचार अभी खत्म हो गया। मेरे ननद जब मिडिल में आई थी ना तब भी मिक्स फ्रूट का एक अचार मेरी चाची सास ने मेरे लिए भेज दिया था, लेकिन वो भी खत्म हो गया है खाते खाते। तो इस वजह से देखेंगे बाहर अगर मीठा अचार मिलता है वो लेके आएंगे, क्योंकि वेज खाने के दिन ना मुझे अचार खाना बहुत पसंद है खाने के साथ। मतलब जो भी हो ना, नॉर्मल सब कुछ भी हो जाए ना, अचार रहता है ना और पापड़ फ्राई रहता है ना, मेरा पूरा खाना हो जाता है। सिर्फ दाल दे दो मैं खा लूंगी एकदम, पापड़ दाल और अचार के साथ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को शायद किसी किसी को आम का अचार किसी को मीठा अचार ये सब बहुत पसंद है, मुझे मीठा अचार बहुत पसंद है। और आज मेरे ब्लॉग में ना मेरे हस्बैंड का ज्यादा नहीं आए, अभी भी वो बिजी है थोड़ा बहुत, मैं चेयर कर रही हूँ क्योंकि उनका जो है एक मीटिंग चल रहा है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए मीटिंग क्या तो यही है, मैं यहाँ पे कुकिंग कर रही हूँ और हस्बैंड के ऊपर नजर भी रख रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पता है आप लोगों को अभी कितने बज रहे हैं? डायरेक्ट सुबह के मतलब दोपहर के बाद अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों के साथ, वो भी अभी बज रहे हैं रात के 9 बज रहे हैं। बाहर देखो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि अभी 9 बज रहे हैं और इतना टाइम का गैप इस तरह से हो गया था। दोपहर में सोई तो अच्छे से नींद नहीं हुआ, तो पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाया, तो मैंने वीडियो एंड भी नहीं किया था। फिर मैंने सोचा रहना है तो वीडियो नहीं बनाया, तो इस वजह से मैं अभी जो है डिनर के टाइम में सीधे आप लोगों से मिल रही हूँ। अभी डिनर का टाइम नहीं हुआ है, इवन डिनर बनाने का टाइम हो गया है और अभी जो है चाय वाय पिया ना, थोड़ा सा फ्रेश फील कर लूँ। ठीक है, ऐसे मेरा होता है, मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मतलब मैं इसे लेजी हो जाती हूँ जब भी अच्छे से दोपहर में नींद नहीं होता है अच्छे से, मतलब आधा घंटा भी या फिर 15 मिनट भी मेरा नींद होता है तो भी मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आज एकदम भी नींद नहीं आया और थोड़ा सा गर्मी भी लग रहा था, क्योंकि मैंने बोला था कि सनी वेदर था एकदम। तो ये है, अभी जो है मैं बनाऊंगी, आज तो है सैटरडे और सैटरडे को हम लोग फिश एक चिकन ये सब नहीं खाते, मैंने आप लोगों को बोला था। तो अभी मैं बनाऊंगी खिचड़ी। एक्चुअली ना सैटरडे को रात को ना मतलब अगर कोई सब्जी वगैरह ये सब मैं दोपहर में एक टाइम के लिए ज्यादातर बनाती हूँ, अगर दो टाइम के लिए ऐसे बनाती हूँ ना तो कोई बात नहीं, रोटी वगैरह कर लेती हूँ। लेकिन आज जो है आज ज्यादा नहीं बनाया था, तो इस वजह से रात को मुझे कुछ ना कुछ बनाना था। और कुछ ना कुछ अगर रात को वेज आइटम मुझे कुछ ना कुछ बनाना होता ना, एक मैं नूडल्स बना लेती हूँ या फिर खिचड़ी, तो वही है आज मैं खिचड़ी बनाऊंगी। और आज ये देखिए मैंने यहाँ पे चावल और दाल को ले लिया है, धो दूंगी अभी मैं। और आज मैं मसूर दाल की खिचड़ी बनाऊंगी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी मम्मी मेरी ससुराल वाले वो भी जो है सैटरडे को मसूर दाल नहीं खाते हैं, मूंग दाल खाते हैं, मसूर दाल को वो लोग नॉन वेज ये करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे सैटरडे को प्याज भी खाते हैं, हम लोग मसूर दाल भी खाते हैं, बिकॉज मेरे और मेरे हस्बैंड ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रूल्स हम लोग उतना ज्यादा नहीं ये करते हैं। और मसूर दाल को मैं नॉन वेज ये सब उतना ये नहीं करती हूँ, मानती नहीं हूँ। तो मेरे ससुराल वाले मेरी मम्मी का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी खाओ अच्छे रहो हेल्दी रहो वही बड़ी बात है। और एक्चुअली ना क्या होता है, जितना मैं रूल्स फॉलो कर पाती हूँ उतना ही मैं करती हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा रूल्स मेरे
मैंने मेरे लाइफ में या फिर मेरे हर दिन में चला आता है ना, तो बहुत ही मैं मुझे घुटन सा महसूस होता है। दैट्स व्हाई मैं एकदम नॉर्मल कैजुअल से रहती हूँ, और हम लोग सैटरडे को प्याज भी खाते हैं, मसूर दाल भी खाते हैं, लेकिन हाँ मैं कोशिश करती हूँ ज्यादातर प्याज, बिना प्याज की सब्जी बनाना जो होता है ना हो जाता है। नहीं तो कभी कभी जो है, या अभी मसूर दाल की खिचड़ी बनाऊंगी तो उसमें प्याज देने से बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैं प्याज देती हूँ। अगर मैं मूंग दाल की बनाती तो नॉर्मल बनाती प्याज, बिना प्याज के। तो ये है, और बकबक नहीं करूंगी और नहीं पकाऊंगी आप लोगों को। चलिए डिनर की तैयारी शुरू करते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे प्याज भी कट कर लिया है, और मैं यहाँ पे चावल और दाल भी ले लिया है, मैं इसको धो लूंगी फिर खिचड़ी बनाऊंगी। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। मेरा भी ऐसा कुछ नहीं है कि सैटरडे है तो मुझे वेज ही खाना है, अगर मैं बाहर जाकर नॉनवेज भी खा सकती हूँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पॉसिबल हो सकता है मैं वही करती हूँ, मतलब उतना चाप नहीं लेती हूँ प्रेशर नहीं लेती हूँ उतना। अच्छा लग रहा है, अच्छा डिनर बना रही हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है, आई होप आप लोगों को भी अच्छा ही लग रहा है। और मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मसूर दाल सैटरडे में नहीं खाते हैं, तो जिसका जो मर्जी है यार, उस वैसे ही लाइफ को स्पेंड करो, अच्छे से रहो, खुश रहो, हेल्दी रहो, बस यही है। तो मैंने इसमें दे दिया है फूल जीरा, एक सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता देकर मैंने प्याज को फ्राई कर ली, उसके बाद दे दूंगी टमाटर, उसमें दे दूंगी अदरक और जीरा पाउडर, हल्दी, नमक, फिर दे दूंगी चावल और दाल, बस हो जाएगी। तो अभी पूछते हैं मेरे हस्बैंड से कि क्यों नहीं वो बहुत ज्यादा मेरे वीडियो में आए। अभी मीटिंग चालू था ना, एक डेढ़ घंटे से ही मीटिंग का शांति नहीं है घर, वो ऑफिस वाला घर में चला है अभी कितना मजा करोगे, हाँ कितना मजा, 2 महीने पूरे घर में ही थे। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो जरूर कमेंट करके बताना, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो जरूर मेरे वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगा है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग चाहे तो मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बहुत खुश रहिए, बहुत बिंदास रहिए, और साथ में देखते भी रहिए मेरे वीडियोज।